तीन लिखे ना अभी तक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फाइनाइट रॉड। एक रॉड है मेरे पास है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। मुझसे बोला गया भाई कि कोई भी रैंडम, कोई भी स्पेस में रैंडम पॉइंट दे दिया पी, है ना। अब पी पॉइंट को तो पहले उसकी पोजिशन डिफाइन करनी है, तो उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए बोला है कि वो पहले तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, आर। मैंने बोला रॉड से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो क्या इसकी पोजीशन यूनिकली डिफाइन हो गई? ऐसे तो अभी बहुत सारे पॉइंट है सिलेंडर पे लाई करेंगे जो यूनिकली डिफाइन करना है ना। चलो मैं बोल देता हूँ, वो जो पॉइंट है वो इधर से अल्फा एंगल बना रहा है और रॉड के दूसरे एंड से बीटा एंगल बना रहा है। क्या अब ये पॉइंट यूनिकली डिफाइंड है? सर्किल में है ये पॉइंट, है ना। 3D में ये अभी भी यूनिकली डिफाइंड नहीं है, ये किधर है, सर्किल में है। पर 2D में बात करें, और मैं बता भी दे रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में, तो फिर यूनिकली डिफाइंड है ना। 2D में अब ये पॉइंट यूनिकली डिफाइंड हो गया है। ऐसे दो पॉइंट होंगे, एक इधर एक इधर, मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट पे तो मैं निकाल दिया, हमने पॉइंट को डिफाइन कर दिया, अब पी पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, करो सॉल्व। एलिमेंट क्या मान रहे हो, यहां से किसी फाई एंगल पे मान लो, डी फाई विड्थ का, ये तुम्हारा एलिमेंट हो गया, इस पे चार्ज डी क्यू है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड अब चालू हो जाओ तो कर लोगे, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, डी कितने एंगल पे आएगी, फाइव एंगल पे आएगी। निकल के आ रहा है ऐसा, निकल के आ रहा है, अच्छा निकल के आ रहा है ऐसा, अब फिर हो सकता है, फिर मुझे पता नहीं तो निकाला कैसे, ये डी एल एंथ मुझे चाहिए ना, क्योंकि देखो अपन को डी क्यू निकालना है, डी क्यू क्या होगा, लैम्डा इनटू डी एल। देखो क्वेश्चन डी क्यू को आर सेक थीटा जी से उसमें इंटीग्रेशन होता है जीरो टू आर सेक फाई वाली लेंथ है मैं ये वाली लेंथ पूछ रहा हूँ ठीक हो सकता है निकल के आ रहे ना, चेक करते हैं, बैठो देखते हैं, पता खड़े रहा दूर ठीक है। देखो पहले ये क्वेश्चन समझ गए भाई कि देखो मुझे स्टार्ट करने के लिए पहले तो डी लिखना है, डी मेरा क्या होगा, के डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना है, बहुत से लोग इसको ये आर है तो ये आर कॉस फाई नहीं होता भाई, हाइपोटेन्यूज है ये आर सेक फाई। पहले तो ये गलतियां कर देते हैं जल्दबाजी में, ये ध्यान रखा करो, ये आर सेक फाई है। तो तुम्हारा DE कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस, कितना है आर सेक फाई का स्क्वायर। अब बात ये कि आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ने से पहले मेरे को क्या चाहिए, डी क्यू, और डी क्यू है लैम्डा इनटू डीएल। अब और आगे बढ़ू उससे पहले मुझे क्या चाहिए, तो जब तक डीएल नहीं निकालूंगा तब तक तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो बाकी सब तो बात की बात है, इंटीग्रेशन वगैरह, पहले डीएल तो निकाले, तो डीएल कैसे निकालेंगे, तो डीएल निकालने में बहुत से लोगों ने दिमाग लगाया है, वो गलत क्यों ये भी समझना जरूरी है कि भाई देखो ये लेंथ आ रही है तो ये लेंथ कितनी हो गई आर सेक्स फाई, तो और ये एंगल डी फाई है, तो उन्होंने लिखा है कि डीएल इक्वल टू आर सेक फाई डी फाई, डी फाई को छोटा सा एंगल, पर समझो ये जो तुम लेंथ लिख रहे हो वो ये वाली लेंथ होगी आर सेक फाई डी फाई, ये लेंथ थोड़ी ना है, ठीक है। तो उसको सर्कल नहीं, तुम उसको स्ट्रेट भी मान सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसको स्ट्रेट मान लो, बहुत छोटा है क्योंकि, पर आर सेक पाई डी पाई वाली लेंथ होगी, मुझे तो ये चाहिए, ये लेंथ चाहिए डी एल, ये डी एल कैसे निकाले, तो समझ में आया पहले तो ये गलत है, डी एल इज नॉट इक्वल टू आर सेक पाई डी पाई, ये समझो, ये कई बार लगा देते हैं जल्दबाजी में, तो इसको भी एक अलग से मेंशन करके बना लो, इसमें डिब्बा बना लो,
ये r sec phi d phi के बराबर नहीं है पहले तो। अब फिर क्या है, तो dl निकालना है। अब हमारा क्वेश्चन खत्म है ना, चेंज हो गया एक्चुअली, हमारा क्वेश्चन है dl निकालना। तो इसके लिए मैं दो मेथड दिखाऊंगा टू फाइंड dl। एक हम मैथमेटिकली निकालेंगे, फिर एक बार विजुअलाइज करवाऊंगा मैं तुम्हें। पहले मैथमेटिकली मेथड नंबर वन, ठीक है। तो हमको dl निकालना है ना, मैथमेटिक्स के थ्रू जाएंगे, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। इस लेंथ को l मान लेता हूँ, तो ये dl हो गया, है ना। देखो हम क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करेंगे किसी एक वेरिएबल के टर्म में, और मैं फाई के टर्म में करना चाह रहा हूँ, तो बाकी सारे वेरिएबल्स को मुझे फाई के टर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एल भी एक वेरिएबल मान लिया मैंने, एलिमेंट को इधर उधर शिफ्ट करूंगा तो एल भी चेंज करेगा, फाई भी चेंज करेगा। पर एल और फाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ना। क्या डिपेंडेंसी है एल और फाई पे बताओ? क्या डिपेंडेंसी है? टेन फाई इक्वल टू एल बाय आर, आर तो कांस्टेंट है, तो तुम्हारा एल कितना आ गया, आर टेन फाई। अब डी एल निकालना है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, आर कांस्टेंट है, सेक स्क्वायर फाई, ये तुम्हारा डी एल आ गया। तो यहीं से तुम्हें पता चल गया कि ये वाला रिजल्ट गलत है। अच्छा यहाँ पे ये समझ में आ गया, इसमें दिक्कत लग रही है किसी को, आ रहा है समझ में? ऋतु विशा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि भाई ये तो भाई हर जगह दिया रहता है, ये वाला तरीका, ये वाली मेथड हर जगह होती है ना, पर अब इसकी फीलिंग नहीं आती। अभी तो मानना पड़ता है ना, जब मैथ्स कुछ बोलती है ना तो बस फिर ऑप्शन नहीं रहता, तो मानना पड़ता है, हाँ यार बोल रहे हैं सही है, क्या कर सकते हैं। पर इसको फील कैसे करें, हम देखें कैसे, कोई विजुअलाइज करवा सकता है इस रिजल्ट को, कि बिना इतनी मैथमेटिक्स लगा मैं देख के बोल सकता, जैसे तुम बोल रहे थे देख के आर सेक फाई डी फाई। तो अभी तो मैंने ये बता दिया कि आर सेक फाई डी फाई गलत क्यों है, अब इसको विजुअलाइज करवाओ कि सही वाला रिजल्ट हम सिर्फ देख के कैसे लिख सकते थे, इतनी मैथमेटिक्स बिना लगाए कैसे लिखते। अरे अब तो एक्सप्रेशन देख के गैस भी मार सकते हो, एक्सप्रेशन देख के तो आइडिया आने लगते हैं आंसर। अरे गैस मारो ना, देखो ना ये जो तुमने एक्सप्रेशन निकाला था इसका भी सेक फाई आ रहा है, और सेक फाई हमको क्या देता है, परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूज की तरफ ले जाता है। अरे ऐसे कुछ भी नहीं, सॉरी बेस से हाइपोटेन्यूज की तरफ ले जाता है ना। कॉस फाई क्या करता है, हाइपोटेन्यूज को बेस बनाता है, सेक फाई क्या करता है, बेस को हाइपोटेन्यूज बनाता है। अरे उससे ही गैस मारो, चलो ठीक है बैठो, तुम बता रही, बताओ कौन सा वाला एंगल, वो वाला कुछ नहीं होता, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये ऊपर कौन सा, ये हाँ। ये तो 90 डिग्री है, ये वाला अच्छा ये वाला एंगल, ये अबे कौन सा एंगल बचाया, ये जो बनाया ये तो 90 डिग्री है, हाँ ये 90 है, ये तो 90 है, तो परपेंडिकुलर बनाया मैंने, हाँ ये 90 है। आप बोलो, अच्छा इन दोनों में से कोई एंगल फाई होगा क्या, सोचो कौन सा वाला फाई होगा, लेफ्ट राइट, ये वाला मत करा करो, लेफ्ट है ना। तो ठीक है, ये इस पे ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल कितना होगा फाई। अब देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये राइट एंगल है, ये लेंथ तुम्हारी कितनी है डीएल, ये एंगल कितना है फाई, और ये लेंथ कितनी है आर सेक फाई डी फाई। तुम्हें डीएल निकालना है, दिख रहा है ये बेस है ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बेस का सेक फाई होता है। तो यहीं से दिख रहा है ये मेथड नंबर टू है तुम्हारी, विजुलाइज करके dl इक्वल टू r sec phi d phi, ये क्या हो गया तुम्हारा बेस। अब बेस से हाइपोटेन्यूज बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई करूं, sec phi, तो आ गया ना dl इक्वल टू r sec स्क्वायर phi d phi। तो बस सही ढंग से देखना होता है, सही रिजल्ट आता है, जो मैथ्स बोल रही थी वो तुम विजुलाइज भी कर सकते हो, बस सही ढंग से देखना होता है। अब आगे से मेरे ख्याल से तुम देख के लिख सकते हो, और देख के नहीं लिख पाओ तो बस एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि ये बहुत जल्दी दिमाग में आता है, क्योंकि
इंटीग्रेशन, ये बात इस क्वेश्चन की नहीं, इस डेरिवेशन की नहीं है, बात ही ये चीज सही करने की। इस तरह का डेरिवेशन कई तरह के इंटीग्रेशन में आ जाता है, क्वेश्चन में आ जाता है, तो हमें पता है कि ये स्टेप फटाक से नहीं लिखनी, ये गलत है, इतना पता होना चाहिए। सही क्या है फिर, ये तरीका तो तुम लगा ही सकते हो, ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है, है ना, 10-15 सेकंड में आ जाता है। ठीक है, लिख लो, चलो भी मिटाते हैं, आगे बढ़े, डीएल तो आ गया हमारे पास अब, तो मुझे पता चल गया भाई डीएल मेरा कितना है, डीएल इक्वल टू आर सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। अब सॉल्व करते हैं आगे का, तो हमारा डी क्यू भी निकल गया। अब बताओ देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में सर्वाइव करेगी, डी ई परपेंडिकुलर या फिर डी ई पैरेलल, कौन सी सर्वाइव करेगी? दोनों सर्वाइव करेंगे, यहाँ पे दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे, ये पॉइंट सिमेट्रिक नहीं है, ये पॉइंट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी, कहीं भी ले सकता हूँ पूरे स्पेस में, समझ में आ रही है बात? दोनों करने पड़ेंगे, दो इंटीग्रेशन होंगे यहाँ पे, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक तो अपन किस लिए करेंगे भाई? अच्छा, एक मैं कर रहा हूँ, बाकी तुम करना यार दूसरा, बिल्कुल सेम रहेगा, तो बताओ कौन सा कर दूँ? परपेंडिकुलर वाला कर देता हूँ। डी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डी ई कॉस फाई, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तुम्हारी। डी ई कितना है? के डी क्यू इज लैम्डा डी एल, डी एल इज आर सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई, देखो यही आ रहा है क्या, इंटू कॉस फाई। चेक कर लो भाई डी को जो मैंने लिखा है, वो देखो सब जो आए थे स्क्वायर स्क्वायर आए थे वो सब कट गए इंटीग्रेशन के टाइम पे। इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान आ रहा है, बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन है, दोनों कट गए। इंटीग्रेट किसको करना है अपन को? कॉस फाई और डी फाई को। तो ई परपेंडिकुलर आ गया तुम्हारा, के कॉन्स्टेंट लेमडा कॉन्स्टेंट, आर वी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन है तुम्हारा कॉस फाई डी फाई का। देखो स्टार्टिंग कितनी खतरनाक होती है और एंड में कॉस का इंटीग्रेशन आ रहा है। लिमिट क्या रखेंगे भाई? माइनस बीटा से अल्फा तक, एक माइनस अल्फा से बीटा तक, ठीक है। तो क्या रहा है बताओ, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन फाई, तो क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई तुम्हारी? के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस रिजल्ट को याद रखना है। देखो तो इस पर्टिकुलर में सही आंसर दे देगा, क्योंकि कॉस तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन है भाई, कह रहा हूँ, हर केस में सही आंसर आए जरूरी नहीं है। इंडीड ई पैरेलल वाले में सही आंसर नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि कॉस तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए सही आ रहा है इस बार, क्योंकि मैं एक सेंस के साथ डिसाइड कर रहा हूँ ये फाई। जब मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ तो जीरो हो रहा है, मैंने पॉजिटिव इस डायरेक्शन में डिफाइन किया है, जब मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव, अगर तुम यहाँ पे डिफाइन करते, हाँ यहाँ पर अगर तुम इस डायरेक्शन में डिफाइन करते, इस डायरेक्शन में डिफाइन करते, अगर अपना एलिमेंट यहाँ पे मानते तो माइनस बीटा से अल्फा लिखते फिर, ठीक है। एक बार इसको करके देखना पूरा, है ना, एक बार इस पूरे को रिपीट करना, फाई को इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में मान लेना अपना एलिमेंट, है ना, और फिर इसको करना माइनस बीटा से अल्फा तक, और करके देखना, बताना मेरे को कल क्या आता है ना रिजल्ट, करके लाना, ठीक है। ये वक्त तुमने इस तरफ लेके करा है और फिर लिमिट माइनस बीटा से अल्फा रखिए ना, तो फिर सही आंसर आ रहे होंगे। अभी देखो ई पैरेलल वाला निकाल लेते और सेम आंसर आएंगे तो ठीक है, सही है फिर, ठीक है। हाँ रुक जाए, एक बार अपन कर ही लेते ना, देखो इसमें समझ में नहीं आएगा इस वाले में, ये सिमेट्रिक आ रहा है रिजल्ट, रुक जाए ई पैरेलल को निकाल लेते हैं, उसका डिस्कस करते ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा फर्क हमको। ये हो गया क्या सबका? ठीक है, ई पैरेलल निकालते हैं, बताओ जल्दी से ई पैरेलल क्या आएगा तुम्हारा? ई पैरेलल आ रहा है डी ई साइन फाई, तो अपन इसको करेंगे डी ई पैरेलल ना,
मेरे ख्याल से वहाँ पे cos phi d phi आ रहा था, तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा यहाँ पे, k lambda by r इंटीग्रेंट sin phi d phi, लिमिट तुम्हारी माइनस अल्फा से बीटा तक, बाकी सब तो कट कट आके सेम होगा। तो क्या आगे बताओ, sin phi का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cos phi, माइनस को बाहर निकाल लिया, cos phi आया ना, अब यहाँ पे क्या रखोगे, cos बीटा माइनस cos ऑफ माइनस अल्फा, तो ये तुम्हारा आ गया cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये तुम्हारा आ गया k लैम्डा बाय r cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये तुम्हारा क्या आ गया e पैरेलल, और e परपेंडिकुलर कितना है, k लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा, ये दोनों याद रखने ना, परपेंडिकुलर में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा, पैरेलल में कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। देखो इसमें अल्फा बीटा तो तुम भूल जाओगे कौन से क्या है, जब क्वेश्चन आएगा तो 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ ऐसा दिया होगा, तो याद रखो जिस डायरेक्शन में तुम निकाल रहे हो, अगर मैं इस डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ तो इस एंगल में से इसको माइनस करूंगा, जैसे मैंने अपना इस डायरेक्शन में बनाया ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अगर इसको इस डायरेक्शन में बोलूंगा तो अपने आप कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका ये है ना, तुम जिस डायरेक्शन में दिखा रहे हो उस वाले में एंगल में से दूसरे वाले को माइनस करो, ठीक है क्या, तो इससे डायरेक्शन भी तुम्हें याद रहेगा, परपेंडिकुलर वाला तो सिमेट्रिक है तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आ गया, पर इस वाले केस में तुम्हें ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, पैरेलल आ गया, और तुमने इस डायरेक्शन में दिखाया होगा तो सेम ही आंसर है मतलब, ठीक है, तो यही है कि तुम किधर लेते हो उससे फर्क पड़ता है, अगर मैं एलिमेंट को यहाँ ले रहा हूँ तो माइनस अल्फा से माइनस बीटा करूंगा, अगर इस एलिमेंट को यहाँ पे लिया होता तो माइनस बीटा से अल्फा रखता, और चेक कर लेना कैलकुलेशन तो कोई गलती नहीं है ना, ये दोनों रिजल्ट याद रखने से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चलो केस वन, सेमी इन्फाइनाइट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एंड ऑफ एट वन एंड ऑफ सेमी इन्फाइनाइट वायर, इन्फिनिटी बाई टू कितना होता है, इन्फिनिटी, हाँ तो सेमी इन्फाइनाइट भी इन्फाइनिटी होता है ना, बस सेमी इन्फाइनाइट का मतलब समझ जाओ कि इन्फिनिटी के एक एंड पे जाके तुम पूछ रहे हो, ये इन्फाइनाइट वायर है और तुमने अपना पी पॉइंट यहाँ पे मान लिया, तो बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आर डिस्टेंस पे है ये पी पॉइंट सेमी इन्फाइनाइट वायर के, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बताओ जल्दी, अल्फा बीटा कितने हो जाएंगे, अल्फा कितना हो गया पाई बाई टू, बीटा कितना हो गया, देख रहे हो ना उस फिगर में अल्फा इधर से एंगल था ना, अल्फा को पाई बाई टू करोगे तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा और बीटा को जीरो कर दिया, तो रखो भाई बताओ ई पैरेलल कितना आ रहा है, अल्फा पाई बाई टू रख दिया तो जीरो माइनस के लैम्डा बाई आर है ना, माइनस के लैम्डा बाई आर, और हमने किस डायरेक्शन में दिखाया था, इस डायरेक्शन में, मतलब इसको एक्चुअली लिखेंगे तो इस डायरेक्शन में कितना आएगा, के लैम्डा बाई आर, हमने तो इस डायरेक्शन में बोला था ना, इस डायरेक्शन में माइनस के लैम्डा आया आर, मतलब इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर, ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, वो भी के लैम्डा बाई आर, तो इसमें तुम्हें ये फिगर के साथ याद कर लो दिमाग में सेमी इन्फाइनाइट को, कि भाई सेमी इन्फिनिटी दिख रहा है, सोचो ना यार पॉजिटिव चार्ज है ना, भगाएगा ना, दूर भगाएगा ना, तो एक तो इधर भगा रहा है के लैम्डा बाई आर से और इधर भी भगाएगा के लैम्डा बाई आर से, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में तो नहीं आ सकती फील्ड, खींचेगा थोड़ी ना, भगाई गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है पॉजिटिव चार्ज से, तो इसे सीधा याद कर लो फिगर के साथ, के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में, के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर, इन्फाइनाइटली लार्ज वायर है, यहाँ पर कोई भी पी पॉइंट रख दिया एट ए डिस्टेंस आर, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, तो E पैरेलल कितना हो गया, जीरो, E परपेंडिकुलर कितना हो गया, टू के लैम्डा बाई आर, ऑब्वियस बात है यार, अब तो ये सिमेट्रिक हो गया ना इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो इस डायरेक्शन में हो सकती है ना इस डायरेक्शन में, तो E पैरेलल को जीरो आना था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी आ गई, टू के लैम्डा बाई आर, ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये याद रखना है, इसको निकालना नहीं है बार बार, याद रखना है दिमाग में, इन्फाइनाइट वायर से
टू के लैम्डा बाई आर, ठीक है, क्लियर है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इन्फाइनाइट बनाना है, एक सेमी इन्फाइनाइट वायर यहाँ रख दो, एक सेमी इन्फाइनाइट वायर यहाँ रख दो, इधर पे रखोगे तो क्या करेगा, के लैम्डा बाई आर यहाँ पे करेगा और के लैम्डा बाई आर यहाँ पे करेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाली डबल हो गई, तो सारी चीज़ें मैच कर रही है ना। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, क्या है, दो सेमी इन्फाइनाइट वायर और एक क्वार्टर, सबके फॉर्मूले बताए तुम्हें, डायरेक्शन बताए तुम्हें, करो सॉल्व, हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे तीन एलिमेंट है, इसको वन बोल देता हूँ, पहले वन के कारण निकालते हैं, तो हमको पता है वायर दूर फेंकता है, अभी निकाला ना, इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर और इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर, किसके कारण, पहले वाले के कारण, कैपिटल आर है ना, बताओ इसमें कोई डाउट है क्या, अभी देखा ना, एक तो इधर फेंकता है एक दूर फेंकता है ना, ठीक है। सेकंड इसको मान लेते हैं, इसके कारण भाई क्या कहाँ का होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेमी इन्फाइनाइट, इस डायरेक्शन में के लैम्डा बाई आर और, तो क्या समझ में आया, दोनों वायर्स ने तो एक दूसरे की कैंसिल कर दी ना, इन दोनों वायर के एक्चुअली होने से कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों वायर एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास, एक क्वार्टर, उसके लिए तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्वार्टर के लिए क्या आता है, इसके लिए आएगा के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में और के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी रूट टू के लैम्डा बाई आर, देखो क्लियर है क्या। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना देते हैं ना, ठीक है, बाकी का फिर अपन एक क्वेश्चन और ले लो घर पे करने के लिए। सेमी इन्फाइनाइट वायर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा वन, इस वायर के एंड पे एक रिंग रखी हुई है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा टू, रेडियस कितनी है आर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू सेमी इन्फाइनाइट वायर, फाइंड द नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू सेमी इन्फाइनाइट वायर,